भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा बांदा सांसद आरके सिंह पटेल समेत 15 लोगों के खिलाफ सीजीएम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि ये केस 16/9/2009 का है, जब बसपा सरकार में सपाइयों द्वारा प्रदर्शन किया गया था सरकार के खिलाफ। इस केस में पुलिस ने जो मामला दर्ज किया था वो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ट्रेन रोकने और पुलिस का पथराव का ये मामला था, जिसपे सीजीएम कोर्ट में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था इन सभी के खिलाफ। उसमें एक वर्ष की सजा सुनाई गई है इन सभी 15 लोगों को। इन 15 लोगों में भारतीय जनता पार्टी के बांदा सांसद आरके सिंह पटेल सहित पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल, जो कि दसवीं सम्राट ददुआ के पुत्र बताए जाते हैं। और सबसे इसमें एक और महत्वपूर्ण खबर है जिसमें कि चित्रकूट के जो नगर पालिका अध्यक्ष है नरेंद्र गुप्ता, वो भी इस इन 15 लोगों में हैं। और एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि इन सभी लोगों को एक साल की सजा सुनाई गई है, जिसे लेकर अब चित्रकूट की सियासी हलके जो हैं उनमें तमाम जो लोग हैं भड़कने लोगों की बढ़ गई है, क्योंकि जो चुनाव होने हैं लोकसभा के, नगर पालिका के चुनाव होने हैं। अब एक ये बात सामने आ रही है कि अब इसमें आगे होगा क्या, इन लोगों का भविष्य क्या होगा, लोकसभा जो इस समय सांसद है लोकसभा के उनका क्या भविष्य होगा, नगर पालिका के जो अध्यक्ष है वो उनका क्या भविष्य होगा, इन तमाम प्रश्नों का जवाब आगे आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इस महत्वपूर्ण जानकारी में एक चीज और है कि इन जो 15 लोगों को सजा सुनाई गई है, इनसे इतर 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें 3 महीने की सजा सुनाई गई है इस पूरे मामले में। और ये जो मामला है वो 16/9/2009 का है, जब तत्कालीन बसपा सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के सभी ये नेता जो थे वो विरोध कर रहे थे, और उसी में ये जो मामला है उस पर सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर है चित्रकूट से, क्योंकि चित्रकूट की सियासत में नेताओं के ऊपर समय समय पर आरोप लगते रहे हैं कि वो दस्यु संरक्षण देते हैं लोगों को। वे कई ऐसे मामले और भी हुए हैं जिनमें कई लोगों ने स्टे ले रखा है कोर्ट से, तो ये एक मामला है जिसमें सीजीएम कोर्ट ने फैसला सुनाया, इसके बाद चित्रकूट की राजनीति गरमाई हुई है।